क्वेश्चन सबसे पहला टॉपिक है सीईटी के जीके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस टुडे विल बी लर्निंग अबाउट जीके एंड लिटिल बिट अबाउट करंट स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना, कब बना, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। राइट, अंडरस्टूड? देन विल गो फॉर द मैथ्स क्लास। सो गाइज हैव यू डाउनलोडेड टीडीसी क्लासेस ऐप? नोट्स आपको मिल गया है, टेस्ट यू कैन टेक द टेस्ट हियर ऑल्सो, इट इज़ अ फ्री टेस्ट। एंड मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, इट इज़ ऑलरेडी लाइव, यू कैन गिव द टेस्ट, टेक द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके चलो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, देन विल सी सम अबाउट मैथ्स में एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वॉट? देखो द रिपब्लिक इज गवर्न्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट चलता है इज रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड, विच वॉज कब? देखो अडॉप्ट होना एंड इन एक्शन आना इज द टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, दे आर टू डिफरेंट थिंग कि एक्शन में आया एंड लागू हुआ, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग। तो आप बताओ अडॉप्ट कब हुआ? एक्शन में आना और लागू होना तो एक ही बात होती है ना। देखो अडॉप्ट होना और एक्शन में आना दो अलग चीजें हैं, लागू होना और ये तो एक बात है, दो चीजें हैं। एक होता है अडॉप्ट करना, अडॉप्ट करना मतलब हम चलो इसको लेते हैं, हम इसको समझेंगे, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया लेकिन लागू नहीं किया, एक्शन में नहीं लाया। ठीक है, एक्शन लागू करना एक बात है लेकिन अडॉप्ट करना अलग बात है। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट कब हुआ? इट गॉट अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। राइट, इसके मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, बाकी यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो। एंड अभी अभी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो, केम इन टू फोर्स कब आया? केम इन टू फोर्स 26 जनवरी 1950। अंडरस्टूड? ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया किस फॉर्म में है हमारा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट किस टाइप की है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यहाँ प्रेसिडेंट इज जस्ट अ सिग्नेचर स्टैम्प, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वी हैव अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विच इज फेडरल इन नेचर, आपको ये चीज बस आपको याद रखनी है। ओके, जो पॉइंट्स मैं लाइन अप करते जा रहा हूँ वो चीजें आप नोट डाउन करते जाना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क दैट, उसमें क्या क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स जैसे होते हैं, तो पॉलिटिकल कोड स्ट्रक्चर प्रोसीजर कैसे होगा, पावर्स ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट सारा कुछ उसमें लिखा गया है, समझ आया? उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, अंडरस्टैंड दैट। हम देखेंगे कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन दोनों अलग चीज होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, आपको ये तो पता होगा ना फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हम देखेंगे आगे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग चीज़ होती है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो हमको बाध्य हैं हम करने को, जैसे वोट देना हमारा ड्यूटी है। राइट, हम अगर नहीं जाते हैं देन इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी और फॉर द कंट्री। ओके, देन अगर हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर,
एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं? सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि आपको सारे सिटीजन जो भी हमारे इंडिया में रहता है उसको इक्वल समान समानता का हक हो, लिबरल हो, आप कुछ बोल सकते हो, आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सारे धर्म निरपेक्ष होगे और सबको जस्टिस एक प्रकार मिलेगा, ठीक है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस करके आपको ये डॉक्यूमेंट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिप्लेसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उस डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया गया था। सो गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड सम ऑफ यू यू कैन रीड इट, तो आपका इंग्लिश, वी कैन इम्प्रूव द इंग्लिश एज वेल एंड वी कैन टेक द जीके एंड जीएस क्लासेस ऑल्सो। ओके, सो रीड आउट द फर्स्ट लाइन, एनीबडी एनीबडी कैन गो अहेड गाइस, एंड उसको उसका मतलब समझाना पड़ेगा। क्विकली गाइस, क्विकली रीड द लाइन। राघव, रीड द लाइन। एनीबडी कैन गो अहेड, किसी पढ़ और से करवा लो सर। किसी और से। ओके, कोई और कौन बोलेगा? उसको लाइन समझानी है हमको, सर फर्स्ट वाली सेकंड वाली फर्स्ट वाली। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट कॉन्स्टिट्यूट्स कंसेंसस rather than the parliaments of printed the constitution of india from started to its end to main by the indians only it replaces the government of act 1935 and functions as the country's fundamental government document बीच का चार पांच पॉइंट आपने खा लिया, ठीक है? चलो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मैं किसी मेड, और से पढ़वा लूं। नो इश्यू नो इश्यू। देखो, वी प्रैक्टिस मोर एंड मोर इस क्लास में, एवरीबडी इज फ्री टू स्पीक, ओके ऑलवेज। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था इंडियंस के द्वारा ओनली, क्योंकि पहले जितने गवर्नमेंट लॉज आए थे वो सारे ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है? तो जो भी लॉ बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडियंस के द्वारा बनेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस करके बना था। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? देन स्टोरी बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन, क्या स्टोरी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने का? एनीबडी एल्स कैन रीड दैट लाइन? जितना जल्दी रीड आउट करोगे वी कैन डू द प्रैक्टिस ऑल्सो, देन विल गो अहेड फॉर द मैथ्स। स्टोरी बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946 एंड कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। इसमें कौन कौन मेंबर्स थे? प्रोविंशियल असेंबलीज के थे, जो प्रांत बने हुए थे उनके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए बने थे। कब से बन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कब बना था? 1946 को बन गया था। इन टोटल देयर वर 299 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने मेंबर लगे थे? 299 मेंबर लगे थे, अप्रॉक्स 300 मेंबर, 299 याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, राइट? टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन अ ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड। एक ड्राफ्टिंग कमिटी के नाम का एक कमिटी फॉर्म किया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी नाम दिया गया उसको, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कम्युनिकेशन, ओके? और चेयरमैन भी थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कब से हुआ बनना? 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनना चालू हुआ, जिसके 299 मेंबर्स थे। उनका प्रेसिडेंट कौन था उस असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होने लगा तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसको हेड किसने किया, बनाया किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और उनका चेयरमैन भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? इसको बनने में टोटल कितना टाइम लगा? इट टुक 3 ईयर्स, 11 सेशंस हुए 165 दिनों में।
मतलब 11 सेशन मतलब 11 बार मुलाकात करके 3 सालों में इसको बनाया गया। दिस इज बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री विथ सो मेनी कल्चर्स एंड रिलीजन। सारे कल्चर एंड रिलीजन को देखना था इसलिए इतना वक्त लगा। एंड कमिटी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट दे मेक कॉन्स्टिट्यूशन दैट लीड्स द कंट्री टू सक्सेस। जो हमारा इंडिया का सक्सेस है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबको ले के चलना था। दैट्स वाई इट टुक 3 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना साल लग गया? 3 ईयर्स। ओके, स्टार्ट कब से हो गया था? 1946 से हो गया था। ड्राफ्टिंग कमिटी जब से स्टार्ट हुई तब से काउंट करेंगे हम 3 ईयर्स, राइट? 1946 अडॉप्ट कब हुआ था? 1949 में। पारित कब हुआ था? 1950 में। अंडरस्टैंड? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखो, इट कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल सब लोग जानते हैं, याद है किसी को प्रियम्बल? इंडिया का प्रियम्बल क्या होता है? इंडिया के सारे भाई बहन वाला लाइन याद है? इंडिया के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं, ये वाला लाइन सबको याद ऑल होगा। इंडियन ऑल ब्रदर्स एंड इंडियन, सिस्टर्स। यस। एंड उसमें हम आगे एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते थे, ठीक है? दैट इज द प्रियम्बल। ओके, हम देखेंगे प्रियम्बल क्या होता है, उसमें फीचर्स एंड पार्ट्स क्या होते हैं। अभी बस याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है, आर्टिकल्स होता है। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं अभी? 470 आर्टिकल्स, राइट? कितने पार्टों में इसको विभाजित किया गया है? 25 पार्ट्स, ठीक है? एंड दिस इज नॉट द एंड, इट ऑल्सो हैज 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडिसेस। इवन आफ्टर इट्स इनैक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन अमेंडेड 104 टाइम्स। गाइज, अमेंडेड, अमेंडेड मतलब, अमेंडेड का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन स्पीक अमेंडेड? व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडेड और अमेंडमेंट? अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। हाँ, संशोधन उसको। और अच्छे शुद्ध हिंदी में मत बोलो, थोड़ा लो लेवल ऑफ हिंदी बोल रहा हो तो क्या होगा वो? चेंज। इसमें चेंजेस लाया गया, अमेंड, राइट? तो इसमें अब बदलाव। बदलाव, इसमें कितना बार अरे बदलाव किया गया अपेंडिक्स है? क्या है? अपेंडिसिस, अपेंडिसिस। देखो अभी अपन नाम याद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? प्रियम्बल है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में रखा गया है? 25 पार्ट्स, ठीक है? मतलब 1 2 3 4 करके 470 तक आर्टिकल्स है। जैसे कश्मीर में 370 लगा था, याद है? 144 सब लगता है। तो इट्स कंसिडर एज आर्टिकल, कैटेगरीज अंडर 25 पार्ट्स। फिर इसके बाद है आपका शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स। आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे कि 470 में से 470 आर्टिकल तो याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम याद करेंगे। एंड अपेंडिसिस, राइट? अलाउ क्या हो गया? एनीबडी वॉज सेइंग समथिंग, राइट? तो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से होता है? प्रियम्बल से, ठीक है? लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो कब आया था? 25 जनवरी 2020। ओके, 104th अमेंडमेंट, 25 जनवरी 2020। सर, ये आर्टिकल्स का काम क्या होता है? आर्टिकल्स मतलब, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? आर्टिकल, धारा, आर्टिकल्स का हिंदी, अनुच्छेद। हाँ, यस, अनुच्छेद। तो देखो, कोई भी अगर लिखा गया, सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये मैंने 2 लाइन लिख दी, किसके बारे में लिखा? कि लोगों के बारे में लिखा, या धर्म के बारे में लिखा, या कानून के बारे में लिखा, या प्रेसिडेंट के बारे में लिखा। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये आपके आर्टिकल्स हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे तो करके, सॉरी, फिर ये आर्टिकल 370, 470 ये सब क्यों बोलते हैं? तो इसमें नंबर है ना, कि मान लो 370, 370 में कश्मीर के बारे में लिखा गया था कि कश्मीर को अलग एक स्पेशल राइट्स दी जाएगी, कश्मीर को अलग डिस्टिंक्शन दिया जाएगा, तो वो 370वें नंबर के आर्टिकल में लिखा गया इसके बारे में, समझ रहे हो? तो उसमें सर ये बहुत, हमें सारे याद करने पड़ेंगे।
याद कर सकते हो तो कर लेना। एंड इट्स गुड कि आप जब यूपीएससी देने जाओगे, जब आगे पीएससी का एग्जाम दोगे, तो आपको 470 में एटलीस्ट 150-200 तो याद होने ही चाहिए। बट अभी के लिए एटलीस्ट 10 to 20 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। और ये आर्टिकल्स कॉमन जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उनसे आते हैं, ठीक है? कि आप सुने होंगे वो आर्टिकल्स के बारे में, आपके बुक्स में भी होंगे। मैं अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल हमको याद करने, ठीक है? अभी टेंशन मतलब अभी जस्ट अ बिगनिंग कि प्रियम्बल क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल अपेंडिसेस कितने होते हैं, जस्ट जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सी दिस आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, देख रहे हो? इसको आपको याद करना है कि आर्टिकल 12 से 35 तक किसके बारे में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया। अंडरस्टूड? अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है अपन आगे देखेंगे, ठीक है? फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, सब उसमें फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है? आर्टिकल 36 to 51 किसके बारे में लिखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 51A, अब देखो आर्टिकल लिख देते हैं, उसमें भी सब पॉइंट्स होते हैं ना, तो सब पॉइंट्स जो 51A, 51B ऐसा करके भी आता है, पार्ट 3, पार्ट 4, लाइक दिस। तो आर्टिकल 51A किसके बारे में बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखो राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो ये कहाँ मिलेंगे हमको, कॉन्स्टिट्यूशन के किस कंटेंट में मिलेंगे, किस इंडेक्स में मिलेगा आपका, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 51A, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा दो होते हैं, अपर पार्टी लोअर पार्टी, ठीक है? अपर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81 में। लैंग्वेजेस के बारे में कहाँ लिखा गया और हिंदी के बारे में कहाँ लिखा गया, तो हिंदी आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इन आर्टिकल 343। सी दिस इज इन अ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, ओके? सो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जब भी गवर्नमेंट गिरती है या कोई भी गवर्नमेंट शासक नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, या गवर्नमेंट में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। हमारे इंडिया में कितने बार प्रेसिडेंट रूल लगा है गाइस, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगा है, कितने बार लगा है गाइस? गूगल इज फ्री, ठीक है? आई नीड यू टू फाइंड द आंसर्स, प्रेसिडेंट रूल हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया। वो जो इंदिरा गांधी ने लगाया था एक ही बार, जी 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 जी, तो इंडिया में कितने बार लगा है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा है? देखो राजस्थान में ही 4 बार लग चुका है, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल 39 times, कितने बार? 39 times, ओके। एनीबडी, किसी को और कुछ मिला क्या? थर्टी नाइन टाइम्स, ओके। एनीबडी हैज गॉट डिफरेंट आंसर? गाइस बाकी लोग भी खोजो, राइट? बिकॉज आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है? 39 somebody said, then cross verify this, okay? कितने बार लगा है, कितने बार हुआ है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आर टी आई इट हैज बीन इम्पोज 115 times टिल 2016। सर 132 आ रहा है गूगल पे अब। यस 2016 तक ही 115 हो गया था, एंड अभी कितना हो रहा है, इट इज 132। या सर 132 एज पर 2021 लिखा है। यस सो कभी भी अगर इफ यू राइट द आंसर्स एंड यू आर नॉट नोइंग कि अभी करेंटली कितना है, तो यू कैन राइट, मतलब ये तो बोलने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज पर गूगल एट टिल 21, और नीचे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पढ़ा कहाँ से है, ठीक है?
व्हाट इज द ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया? देखो नव भारत और क्रॉनिकल और द टाइम्स, द हिंदू, ये सब ऑफिशियल पेपर नहीं है। ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया, गाइस गूगल इट क्विक, और वो कोई कलर का आंसर आएगा, कलर का नाम आएगा। ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया गाइस, ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया, ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया क्या होता है? ऑफिशियल पेपर वाइट। यप, बाकी लोग को मिला नहीं मिला? बाकी लोग खोज रहे हो नहीं खोज रहे हो? सर वाइट बुक, वाइट बुक, वाइट बुक लिखा हुआ है। वाइट येलो ऑरेंज, वाइट येलो ऑरेंज नहीं, इंडिया का सिर्फ वाइट है। सर वाइट बुक लिखा हुआ आ रहा है। वाइट पेपर, वाइट पेपर, यप यू आर राइट, इट्स कॉल्ड वाइट पेपर, अंडरस्टूड। सो देखो आई विल गिव यू जस्ट जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस पार्ट में आपको खोजना है, सर्च आउट क्या करना है, राइट? ऑफिशियल पेपर ऑफ इंडिया हो गया, आर्टिकल 356, आपको ये पता चल गया प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कौन सा आर्टिकल यूज में आता है? एज पर आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर को दिया गया था। अब इसके इसमें अंदर बहुत कुछ लिखा गया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड। बाकी आपको सिर्फ अगर आर्टिकल 370 पूछता है तो कश्मीर से आ जाएगा। आर्टिकल 395 रिपील्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये किस में लिखा गया है कि मैं ये निकालूंगा, इसके अगेंस्ट में ये डालूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट के ये रूल्स लगेंगे, ये रूल्स नहीं लगेंगे, ठीक है? ये सारा लिखा गया है 395 में। कब का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था? 1935 का। अब देखो क्वेश्चन में, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है शेड्यूल। अब उसमें आपको बोलेगा कि पंचायती राज आपके किस शेड्यूल में दिया गया है। क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, पंचायती राज इज मेंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि पंचायत का काम क्या रहेगा, क्या क्या उसको पावर मिलेगी, क्या उसके ड्यूटीज रहेंगे, सब कुछ लिखा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर गवर्नमेंट रूल्स, किस में दिया है एक बार देख के बताओ। इसी में लिखा हुआ है गाइस, 11, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11, ओके। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर ऑफ पंचायत, ठीक है? अब शेड्यूल वन क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जस्ट अभी पढ़ लो एंड आपको धीरे धीरे इसको याद करना है। आज के दिन में याद करोगे आप भूल जाओगे, ठीक है? पहला 12 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल टू क्या बोलता है कि सबसे पहले याद करो कि स्टेट आएगा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आएगा, फिर क्या आएगा उसके अंदर लोग आएंगे, तो लोग में कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आएगा, स्पीकर आएंगे, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा आएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज आएंगे। इसमें स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल लिखी गई है आपका प्रेसिडेंट, ये सब के बारे में, ठीक है? तो शेड्यूल टू में लिखा गया। अब इसके बाद शेड्यूल थ्री में क्या आएगा? अब इन लोग आ तो गए, आ गए तो इसमें प्रोमिसेस या उसका शपथ ग्रहण होगा, शपथ दिलाई जाएगी। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की दिलाई जाती है, तो शेड्यूल थ्री आ गया। अब उसके बाद आपका शेड्यूल फोर में किसके बारे में लिखा गया? राज्यसभा होता है, लोकसभा आता है, तो पहले राज्यसभा ले लो, ठीक है? राज्यसभा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में लिखा गया शेड्यूल फोर में। शेड्यूल फाइव क्या है? अब शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स, ठीक है? आपको शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में लिखा गया है, राइट? इसके बारे आपके स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये अलग टाइप के स्टेट थे, इनको कंबाइन करके इंडिया में जोड़ा गया था, ठीक है? तो इनके लिए अलग से लिखा जाता है, आपको इनके कंट्रोल एंड लॉ थोड़े से डिफरेंट होते हैं बट इट कम्स अंडर इंडिया ओनली। तो स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ट्राइबल एरियाज, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलग भी हुए हैं, राइट? मतलब इफ मैं जब गया हुआ था असम साइड में, देयर आर मेनी एरियाज विच स्टेट की यहाँ पे कुछ अलग तरीके का रूल्स नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर नागालैंड जाओगे तो
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं है, राइट। वो प्रॉपर ट्राइब एरियाज है, ट्राइब एरिया मतलब वहाँ की जनजातियाँ रहती है, एंड इट इज सेड कि उनको आपको बाहरी दुनिया से टच नहीं करना है। ओके, डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट आपके शेड्यूल 7 में है, राइट। आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होते हैं गाइज? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया हैव? हाउ मेनी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया हैव? क्वेश्चन टू यू गाइज, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया हैव? ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है? इंग्लिश और हिंदी तो है ही, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनों को माना गया है इंडिया में? ऑफिशियल लैंग्वेज कितनों को माना गया है गाइज? फोन आपके हाथ में है, 22 या एग्जैक्ट डिटेल इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस कंसिडर्ड एज ऑफिशियल इन इंडिया? बाकी लोग एनी आंसर? व्हाई डोंट यू गाइज स्पीक स्पीक अप एटलीस्ट, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। हिंदी इंग्लिश नो इश्यू, ओके। आपको कोई अलग लैंग्वेज आता है, यू कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। योगेश, श्रुति, अंजलि, अभिषेक, अमन, रचित, गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक एटलीस्ट, ओके। सो हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज आर देयर? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज आर देयर, इट इज रिटन इन शेड्यूल 8, ओके। नाउ शेड्यूल 9 एंड 10, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, पार्टी चेंज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA 10 में लिखा गया है, 11 में पावर ऑफ पंचायत एंड पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी किस में लिखा गया है? शेड्यूल 12 में, ठीक है। यू हैव टू नो बस इतना सा कि कितने शेड्यूल होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में लिखा गया है गाइस? फंडामेंटल ड्यूटीज अभी जस्ट हमने कवर किया, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में लिखा गया है? फिफ्टी वन ए में लिखा गया है। तो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, ओके। अब देखते हैं कि आपका एक टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा गवर्नमेंट अच्छा चले, गवर्नमेंट में रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम हो। तो एक इट्स अ टॉपिक ऑफ जनरल सेंस कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, कितने टाइप के गवर्नेंस होते हैं। एंड गाइज योर नाउ गूगल होमवर्क इज मोनार्चियल का एक एग्जाम्पल दो कंट्री का। डेमोक्रेटिक तो इंडिया है ही, ठीक है। मोनार्चियल गवर्नमेंट कौन सी कंट्री फॉलो करती है? रिपब्लिक, कम्युनिज्म एंड डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गाइस 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस, जस्ट गूगल इट एंड टेल मोनार्चियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री में है। फिर अपन डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। रिपब्लिक यार, किस, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये क्या है? मोनार्ची, ओमान, सूडान, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। बाकी लोग रिपब्लिक, कम्युनिज्म, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गाइस, क्विक क्विक। सब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप, सेना ही शासन है वहां पर, वही एक सुन। यप, और खोजो और खोजो। रिपब्लिक कौन कौन सा है? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। रिपब्लिक में चीन, साम्यवादी, साम्यवादी होते हैं ना सर, कौन सा है? यस, इंग्लिश रिपब्लिक इंग्लिश में फॉर्म, कौन सा है वो?
रिपब्लिक, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक में इंडिया भी आता है। We'll learn about the English also with the constitution, different types of new words we will learn. ठीक है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र राज्य होता है, जिसकी सरकार और नेता दोनों निर्वाचित होती है, मतलब चुने हुए होते हैं, अपने से कोई हेरिडिटरी नहीं आता है। इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी, इट्स कॉल्ड रिपब्लिक, एंड डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का एग्जाम्पल गाइज, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म गवर्नमेंट एग्जाम्पल, या बेस्ट एग्जाम्पल इज चाइना। एंड क्यूबा, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया आर कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब आपका जहाँ पे कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का बोलबाला होता है एंड उसी की आइडियोलॉजी फॉलो होती है। समझ आ रहा है कि एक कम्युनिटी, कम्युनिज्म वो रहता तो काइंड ऑफ मोनार्शियली है, बट कम्युनिजी आपका एक कम्युनिटी लॉ फॉलो करता है। ओके, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गाइस, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोरिया, या एनी मोर एग्जाम्पल्स? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया तो किसी ने बोला था मोनार्शियल है। डिक्टेटरशिप में जैसे फॉर हिटलर, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, मतलब जैसा मैंने बोल दिया उसका रूल रेगुलेशन सारा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मोनार्शियल इज जो आपका हेरिडिटरी चलता हुआ आ रहा है, राइट? जैसे प्रिंस, किंग, सऊदी अरेबिया का किंग है ना, प्रिंस ऑफ द सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ साउथ, तो ऐसे बोलते हैं। रिपब्लिक जो चुने हुए होते हैं, राइट? कम्युनिज्म जहाँ फॉलो एक कम्युनिटी की बात की जाती है, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ऑल आर नॉर्थ कोरिया, आपका चाइना इज अ कम्युनिस्टिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, आप देखो, कम्युनिज्म इज ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोइंग। बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पहले से कई जगह नियम बने हुए थे, तो हमने उन नियमों को बोरो किया है, बोरो किया या बोलो कट कॉपी पेस्ट किया है, या उसको थोड़ा सा लिया, अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि ब्रिटिश से क्या लिया है, यूएस से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, आयरिश से लिया है, कनाडा से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ से लिया? ब्रिटिश, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, आयरिश, वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एंड कैनेडा। ठीक है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। अब देखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रियम्बल, प्रियम्बल कहाँ से कॉपी पेस्ट किया? यूएस से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कॉपी पेस्ट किया? यूएस से। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ कंकरेंट पावर्स, ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड, आयरिश, राइट? ब्रिटिश से क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस क्या होता है, आपके रिलेटेड टू हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ कैसे चलेगा, ये आपका ब्रिटिश से कॉपी पेस्ट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टूवर्ड्स पार्लियामेंट इज फ्रॉम ब्रिटिश। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ आती है, आप याद भूल भी जाते हो तो याद रखना कि इस टाइप के चीज़ें हमने ली है। पार्लियामेंट्री है तो रिलेटेड टू ब्रिटिश आ जाएगा। आपका फंक्शंस, आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये यूएस से लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस आपके यूएस के हैं,
फंक्शंस ऑफ अदर देन पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, आपका यूएस का है राइट। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कंकरेंट पावर्स ले लिया है, कंकरेंट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में कंकरेंट पावर्स का डिवीजन होगा, वो कैसे होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट में क्या क्या पॉलिसीज चलेगी, वो आयरलैंड का कॉपी पेस्ट है। जर्मनी से पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, देखो हमारे यहाँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी किसी दूसरे कंट्री से बोरो किया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया है आपका, इसमें याद करने का, नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया आपका कहाँ से लिया है, कनाडा से। मीन्स कुछ इंडियन, जैसे इंडिया में आपके यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनको इंडिया में इंक्लूड किया गया, यूनियन ऑफ इंडिया राइट। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर टेकन फ्रॉम कनाडा, अंडरस्टूड, समझ आया बाकी लोग को कि हमको याद कैसे रखना है, क्या क्या चीज पूछ सकता है। लास्ट में हम एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस का, तो यू जस्ट फॉलो द टिप्स कि आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में देखते हैं अपन, प्रीएम्बल राइट। इसमें फर्स्ट लाइन रीड आउट समबडी एंड रीड इट इन एनोटेशंस, रीड इट इन एनोटेशन, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग दिस टू यू कैन गाइस हैव अ बेटर एंड प्रॉपर प्रोनंसिएशंस आल्सो एंड कैन हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। देखो वी आर ऑल आर ऑनलाइन, कोई कैसा भी बोलेगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सो गाइस दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू यूज इट एंड स्पीक, एनीबडी कैन गो अहेड। अमन, अभिषेक, अंजलि, श्रुति, रचित, रीड द फर्स्ट लाइन, रीड इट गाइस। योगेश, गाइस एम आई ऑडिबल, यस और नो, यस नो, एनी रेस्पॉन्स, या यस योगेश गो अहेड, योगेश गाइज आप लोग शर्माते हो बोलने में कि कोई दिक्कत है गाइज, एनी रेस्पॉन्स। Today we will have a reading class guys, GK GS बाद में करेंगे, first we will have a communications class, कि I need all of you to at least speak one line, currently we are having 10-12 people, so quickly one line each, कौन बोलेगा, start कौन करेगा, otherwise next no slide, no next slide guys. स्पीक इट आउट एटलीस्ट, अमन, अभिषेक, रचित, राघव, नो रिस्पॉन्स गाइस, एम आई कनेक्टेड और एम आई, राघव आप ही स्टार्ट करो, बाकी लोग तो कर नहीं रहे। फर्स्ट लाइन गोज टू राघव, देन सेकेंड लाइन टू योगेश, देन थर्ड लाइन टू श्रुति, देन अमन, कंटिन्यू राघव कंटिन्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, हाँ उसके नीचे पढ़ना था शायद, वो पहले मैंने पढ़ लिया था, फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट, हाँ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन द The Indian Constitution also start with one. The preamble is basically the introduction or preface to the Constitution. It sums to the essences to the Constitution. N. A. Palkhiwala
a constitution expert referred to the preamble as the identity card of the constitution. Yeah. Yogesh, second line. Yogesh, second line. The preamble is based on Pandit Nehru's objective realization that he moves and what advocated by the constitution, the preamble has been emitted in 1976 by the 42's amendment, which adds words cyclist and to it. Okay, no issue. Shruti, third line. Ingredients of the preamble. The preamble gives four components. Now read Shruti. 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 Shruti, count one. The preamble gives four components. उसके नीचे पढ़ना था श्रुति. ओके गुड टू गो. अमन उसके नीचे पढ़ो. अमन सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मेंशंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ओके अभिषेक. अभिषेक नेक्स्ट लाइन. Nitesh. Nature of the Indian state. It says India is a sovereign, socialist, secular, democratic, and a republican state. Okay. Deepak. Objectives of the constitution. It gives the objectives as justice, liberty, equality, and fraternity. Abhishek and Nitesh have left out. So Abhishek, you want to speak? Nitesh, you want to speak? Constitution date of adoption 26 November 1949. See guys, this is not a kind of lecture class, but I want to say something to you. देखो अगर आप ऑनलाइन में नहीं बोल पा रहे हो तो आप ऑफलाइन या सामने में कैसे बोलोगे किसी के, राइट? एंड जस्ट डोंट पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स. जो समझ आता है, कोई लाइन समझ में नहीं आती, ये समझ नहीं आ रहा सर इसको क्या बोलते हैं, लाइक कोई भी वर्ड है, सोवरेनिटी है या सोशलिस्ट है, एनी वर्ड दैट यू कांट स्पीक आउट, जस्ट स्किप दैट कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस टू स्पीक. ओके कि आप सी ई टी का एग्जाम दे तो दे लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन टिक भी कर लोगे, सारा चीज़ सही है, लेकिन इफ़ यू कांट स्पीक देन व्हाट्स द मैटर ऑफ स्टडी ना. What's the matter of your education? आप इतना मेहनत करके पढ़ रहे हो but you can't speak in front of the people. Okay? So at least in this class you can't see anybody, you can't see anything. मैं ही आपको देख पा रहा हूँ तो you speak as much as possible. Okay? And I would always say कि nothing is right, nothing is wrong. People has left out the meeting just for the मैंने उनको पढ़ने के लिए बोला and left out the meeting. See, just simple thing, single line, but वो क्लासेस लेफ्ट आउट करके जा रहे हैं कि हमको नहीं बोलना, बस इतनी सी बात में, समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पीक इट आउट मोर यू कैन. ओके ओके लेक्चर इज मोर इनफ फॉर द डे, विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग. देखो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अमेंडमेंट्स इम्पोर्टेंटली आपको जो याद रखने हैं, टोटल कितने अमेंडमेंट हो गए हैं अभी हमने पढ़ा था, टोटल हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन डन, टोटल 132 नियर अबाउट, राइट? यस और नो? 132. सो 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि उसमें इतने चेंजेस किए गए थे, इट मेड अ हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? 42nd इज अ नंबर, 42nd की 42वां जो चेंज किया गया उसको हम 42nd अमेंडमेंट बोलते हैं, 44th अमेंडमेंट बोलते हैं.
एंड कब किया गया 42nd अमेंडमेंट? ड्यूरिंग द इमरजेंसी. इमरजेंसी कब लगी थी? 1976 में लगी थी. इन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? हाउ मेनी टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? क्वेश्चन टू यू गाइज, फाइंड इट आउट. Guys, quick answer, guys. How many times emergency has been imposed in India? India में कितनी time emergency लगी है? गाइज गूगल में, गूगल पे नहीं आ रहा. चेंज द प्रॉम्प्ट, चेंज द प्रॉम्प्ट. मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी सिखा रहा हूँ इसी बहाने कि आप गूगल में सबसे इजीली कैसे खोज सकते हो इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगी है. तीन बार लगा है आपका इंडिया में नेशनल इमरजेंसी, ठीक है. कब कब लगा है? ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर लगा है. एंड आपका कब लगा है? 1971 में लगा है. देन आपका 1975 टू 1975 लगा हुआ है, ठीक है. थर्ड इमरजेंसी. तो इफ आई कैन फाइंड इट आउट, यू गाइज ऑल्सो शुड, ठीक है. अंडरस्टैंड? थ्री टाइम्स गाइज, थ्री टाइम्स. 42nd एंड 44th अमेंडमेंट. अब थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट भी अपन कवर अप करते हैं. डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो डेमोक्रेसी इज मेड बाय टू वर्ड्स, ओके. टू वर्ड्स से डेमोक्रेसी बना हुआ है. क्या क्या? डेमो, पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है रूल्स. एनी वर्ड यू विल फाइंड इट इज मेड अप ऑफ रूट्स, कि वो एक रूट ऑफ फोनेटिक्स या रूट ऑफ वर्ड्स से आते हैं. कोई लैटिन वर्ड होता है, कोई ग्रीक वर्ड होता है, वहां से उठा के लोग वर्ड बनाते हैं, राइट. तो डेमोक्रेसी मीन्स पीपल एंड गवर्नमेंट. पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच का रिलेशंस, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ओके. वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट पीपल का डिसीजन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है. कैसे होता है? रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चर ऑफ लॉफुलनेस, इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन्स, हम जाके वोट देते हैं, ठीक है. दिस इंक्लूड्स इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट. लॉज एंड लीगल प्रोसेसेस होते हैं. डिसीजन मेड ट्रांसपेरेंटली, हाउएवर इट इज नॉट, बट इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पीपल मिसयूज सम रूल्स एंड लॉज, बट दिस आर ऑल रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ यू फॉलो एंड एग्जैक्टली डू, देन देर विल बी अ ट्रांसपेरेंट एंड ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल. स्क्रूटनिटी ऑफ डिसीजन, के डिसीजन जो लिया गया वो सही है कि नहीं है. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, राइट. इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, कि जो भी रूल पारित होगा वो जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होगा. नाउ गाइस, सम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस कम फ्रॉम कि मिनिमम एज कितनी चाहिए. मिनिमम एज आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी चाहिए? गाइस कैन यू रीड इट आउट? मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट इज 35. प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, means I can be a prime minister, okay, above than 30-25. So you have all the dates or all the posts, उसके ages आपको दिया गया है, ठीक है. Just read it out and note it down, okay. I'm just connecting my charger, just give me a minute. Vice president के लिए 35 year, yes.
गवर्नर के लिए 35 ईयर, ओके, चीफ मिनिस्टर के लिए 25 ईयर, ओके, सरपंच के लिए 21 ईयर, एमएलए ऑफ लोकसभा के लिए 25 ईयर, एमपी राज्यसभा के लिए 30 ईयर, ओके ग्रेट, नोटेड डाउन किया 30 ईयर। एमएलए और एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एमपी इज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, एमएलए इज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एमएलसी इज फॉर मेंबर ऑफ लोक लोक छबा छबा कर दो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशंस के सम पॉइंट्स है, उसको हम दे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, देयर इज अ पार्लियामेंट, टू हाउसेस और चेंबर्स ऑफ द हाउस रहेगा, एक को बोलेंगे लोकसभा, एक को बोलेंगे राज्यसभा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ओके राइट गाइज, नोट इट डाउन, कीप इसी के साथ साथ नोट डाउन करना। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो भी कानून पारित होगा उसके हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा एंड उसी के साइन के बाद हमारा लेजिस्लेचर कानून कोई पारित होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड करेंगे, और लेजिस्लेचर इज द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ही परफॉर्म्स मेनी फंक्शन विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से जुड़े बहुत सारे फंक्शंस में प्रेसिडेंट का योगदान होता है। हाउएवर प्रेसिडेंट कैनॉट सिट इन और टेक पार्ट इन द डिस्कशन इन द हाउसेस, वो कभी वहाँ पे बैठते नहीं हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाउएवर दे ही कोई रूल होगा तो उसको पास जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट समन्स एंड प्ररोक्स द हाउसेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जो लोकसभा का बुलावा होता है या लोकसभा राज्यसभा का बुलावा होता है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया एज ही हैज टू गिव हिज असेंट टू एवरी बिल पास बिफोर इट कैन बिकम अ लॉ, कोई भी कानून बनने के पहले वो एक बिल की तौर पे आता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, एंड में आपका प्रेसिडेंट उसे पास करता है, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन हुआ लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेशन मतलब कोई भी कानून या रूल पास करने के लिए, हाउसेस में बिल पास होती है एंड उसको कानून कौन बनाता है, जब पार्लियामेंट उसको एग्री करता है, एंड लोकसभा को, अगर लोकसभा अच्छा लोगों से नहीं बना है या उसमें कोई खामियां है, वो अगर सही संभाल नहीं पा रहा है, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। मतलब जितने आपके स्टेट गवर्नमेंट ये सारे रहेंगे, ये सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, एट द कमेंसमेंट of the first session each year, president addresses both chamber, which is known as special address. जो winter session and summer session चलता है, जो सबसे पहला session चलेगा election के बाद, तो उसमें president आके address करते हैं दोनों को, ठीक है। अब आपका article 123, जब भी मैं बोल रहा हूँ article 123, write a notes कि article 123 में क्या बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 123 गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू प्रमुलगेट ऑर्डिनेंस, रीड अबाउट प्रेसिडेंट इन लिंक्ड आर्टिकल। इससे आपको आर्टिकल 23 में अगर आपको पढ़ना होगा तो प्रेसिडेंट के जितने पावर्स हैं, ऑर्डिनेंस, जितना पावर प्रेसिडेंट लागू कर सकता है, वो सारे किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 123 में। समझ आया? आर्टिकल 79 क्या बोलता है, वो दोनों हाउसेस के बारे में लिखा गया है, पार्लियामेंट के बारे में लिखा गया है एंड टू हाउसेस के बारे में लिखा गया। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट पावर्स के बारे में लिखा गया है, ओके गाइस।
So we'll quickly go with the exercise questions. Okay. So guys, आप लोग करोगे या मैं आंसर दूं? What you want? What you guys want? Guys, what you want? अगर आते होंगे तो दे देंगे. नहीं, अभी आप खोजोगे कि कैसे करना है. How you want to start? Hi Gaurav. Gaurav, why did you joining late? Is there any time issue, guys? Gaurav has joined. It's 4 to 6. Time is okay for you all, guys? Or time mein koi issue hai? Time change karna chahiye ya kuch? Any issue with the time? Yogesh, Shruti, Aman, Abhishek, Rachit. Time is good? No, sir, sahi hai. 3 to 5 kar do, sir. 3 to 5 एक्चुअली वोंट बी पॉसिबल एट माई एंड, क्योंकि मैं 2:30 बजे तो नौकरी से आता हूँ. ओके, सो आई हैव टू गेट मेक मटेरियल रेडी फॉर यू ऑल गाइज. सो इफ एनी डे इज पॉसिबल वी कैन डू, बट एवरी डे वोंट बी पॉसिबल एट माई एंड. अगर डिफरेंट टीचर्स विल कम, आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि वो 3 to 4 आपकी क्लास ले लें, देन 4 to 5 आई टेक द क्लास. ओके ओके योगेश, विल टेक. कहाँ पे जॉब करते हो आप? आई वर्क इन द एयरफोर्स. ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, कोई इसको आंसर करेगा? सर रॉ कर रहे थे. यस यस, व्हाट यू आर सेइंग सर? आप तो रॉ कर रहे थे. रॉ रॉ आई वाजंट, आई हैड अप्लाइड फॉर. आर रॉ कैसे बनते हैं? मैं उस दिन आपको ये सिखा रहा था. आई एम इन द एयर फोर्स वर्किंग फॉर द एयर फोर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्वेश्चन नंबर 7. In which session Congress split in two groups? जो सबसे पहला कांग्रेस बना था वो दो भागों में बढ़ गया था, वो किस सेशन में हुआ था? जस्ट हैव अ ग्लिम्स कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा. जस्ट हैव अ नॉलेज कि सूरत सेशन में ये हुआ था. आंसर क्या है? डी, सूरत सेशन. ओके, अंडरस्टूड? सूरत सेशन में ये दो भागों में बढ़ गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Who has the right to transfer a judge from one high court to another high court? Answer आप सबको दे सकते हो. जज को हिलाने का हिम्मत किसमें होता है? Any guesses? President में. Yes, president only can do. So question number 8, answer goes to 1. A, president. Question number 9. Question number 9 guys. Question number 9. Read it out at least. British Parliament passed India Independence Act. India Independence Act. British Parliament जब जाते जाते भी एक रूल के तहत इसे छोड़ के गए थे, तो Indian Independence Act. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश considered as आजाद, but India Independence Act लगा था 18 जुलाई 1947 को. 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड. स्पीकर कौन है लोकसभा का? स्पीकर मतलब जो बीच में बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं ना, सब लोग उनके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, महोदय आप ये सुनो, महोदय ये सुनो, ये दिक्कत हो गया, ये सुनो. दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? Question goes to you all guys. Who is the current speaker of the Lok Sabha? Google it guys. Who is the current speaker of the Lok Sabha? Kaun hai? Guys, who is the current speaker of the Lok Sabha? Guys, answer guys, quickly find it out. हम लोग find out कर रहे हो? सर ओम बिरला. ओके, ओम बिरला. ओके, कब से है ये? 19 जून 2019 से, right? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय
अब मेजोरिटी देखो, लोकसभा का जो स्पीकर है एंड स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज अ डिफरेंट थिंग. स्पीकर ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज योर वाइस प्रेसिडेंट. स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, और अभी कौन है स्पीकर ऑफ द, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द राज्यसभा? जगदीप धनकर. एंड वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है, जगदीप धनकर. इनका आप देखो, नाम आपको याद नहीं रहेगा लेकिन अगर आप इनका फेस देख लोगे गूगल करके, राइट, तो आपको ज़्यादा देर याद रहेगा, या जब कभी भी आप टीवी पे देखोगे तो उनका चेहरा आपको याद आएगा, राइट. तो दिस वे यू शुड लर्न. तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा मतलब लोकसभा के मेंबर से उनका स्पीकर का नाता रहता है. तो लोकसभा के मेंबर की मेजॉरिटी अगर होती है तो आप लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हो, राइट. अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रीड इट आउट समबडी. क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, रीड इट आउट गाइज. जस्ट हैव, जो मौका मिले उसमें अनम्यूट करो, ऐसा होना चाहिए. सबके एक साथ आंसर दे रहे हो. क्वेश्चन नंबर 11, रीड इट आउट गाइज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 इज योर रिलेटेड टू, गिव्स राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32, नोट इट डाउन गाइज, कि हम जो बोलते हैं ना कि हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने के लिए कौन नियम बताता है? आर्टिकल 32. ये राइट है एवरी इंडिविजुअल का टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट देयर राइट हैज बीन अनड्यूली अप्राइव्ड डिप्राइव्ड, कि आपका कोई भी राइट्स नहीं दिया गया है और ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 विल गो टू आंसर डी. प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 आल्सो अप्लाइज टू एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट्स. देखो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कोई भी लॉ नहीं लग सकता, राइट. तो आपका आंसर क्या होगा? डी. अंडरस्टूड? डी. ये लॉजिकली भी आप बना सकते हो, किसी भी चीज को पढ़ो, एंड इफ योर इंग्लिश इज गुड टू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका आर्टिकल 32 अप्लाइज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, दैट्स व्हाई इट वोंट बी राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच ईयर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was assented by the president. See, here we have two new things, 73rd constitutional amendment act and a new word is called assented. Assented matlab agreement. Assent means agreement, agree karna, right. To 73rd constitutional amendment kya tha? 73rd constitutional amendment, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था आपका? द एक्ट एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स दैट लीड टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत एंड हेल्प देम ऑपरेट एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. आपका 73rd अमेंडमेंट क्या था? कि ग्राम पंचायत कैसे बनाया जाए एंड उसको सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस मतलब ग्राम पंचायत भले ही आपका डिस्ट्रिक्ट राज्य के अंडर में आता है लेकिन ग्राम पंचायत खुद में ऑपरेट करता है, सेल्फ गवर्नेंस होता है. जो आपका सरपंच होता है हैज अ लॉट ऑफ मोर पावर कि वो गांव को चलाता है, राइट. अंडरस्टूड? सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, विल गो फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. Which is the sole
आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, कौन सा है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? देखो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पे काम किया था सबसे ज्यादा, कि फंडामेंटल राइट्स पे काम किया था, राइट? फंडामेंटल राइट्स मतलब कि सबको एका अधिकार मिले, सबको एक अधिकार मिले। तो फंडामेंटल राइट कौन से कहां तक लिखा गया है, तो वो वाले आर्टिकल्स आपको चुनने हैं, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, आप लोग सर्च करोगे, मैं आंसर दूं? गाइस आप लोग आंसर दोगे, मैं आंसर दूं? इसमें है आपका आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ओके? इट्स रिलेटेड टू योर व्हाट, इट इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स, अंडरस्टूड? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी रीड इट आउट, एनीबडी रीड इट आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, हां बोलो। हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव, हां पढ़ो पढ़ो, दिस इज इन द हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस आंसर 15 इयर्स। इसमें आंसर आएगा 10 साल। देखो इसमें क्या बोला है, हाई कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें आएगा आपका 10 साल। 15 साल आता है जब आपका, अगर कोई लॉयर होता है उसमें, अगर एक पर्सन ऑलरेडी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं आप 10 साल के बाद, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is a part of the electoral college for the election of the president but does not participate in the proceeding for his or her impeachment? Question समझ आया नहीं समझ आया? कि ऐसा एक part बताओ। सर ये वो हिंदी में बताना। हाँ, which of the following is a part of electoral college? मतलब इलेक्शन कमीशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में तो पार्टिसिपेट करता है बट अगर प्रेसिडेंट को निकालना हो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ये है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर बी आएगा, बी, बी की डी, स्टेट लेजिस, बी बी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी मैं काउंसिल बोल दिया क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड बी द आंसर गाइस। मे बी टंग ऑफ स्लिप काउंसिल निकला होगा मेरे मुंह से शायद, तो आंसर इज बी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज? इसमें आपका जुडिशियल प्रोटेक्शन, जुडिशियल प्रोटेक्शन आपका डिफरेंस होता है, राइट? उसमें जुडिशियल प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है जुडिशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, इन विच ईयर कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? सर 1946, इन विच 1946, विच ईयर कैबिनेट मिशन 1946, yes, absolutely right. Then question number 6, question number 6, which of the following is not an emergency provision? ये article है, right? Article. तो 364 is not an emergency provision. देखो, this type of question will confuse you. तो जितना आप याद कर सकते हो, I am just giving you a glimpse कि किस type के question पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, सो यू विल गाइस हैव अ रफ आइडिया कि क्या क्या अपने को पढ़ना है, ठीक है? नाउ योर क्वेश्चंस इज क्वेश्चन 14,
The constitution adopted in the year 1949. Who was the advisor of Indian constitution? अब ये इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हु इज द एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट बी एन राव. या बी एन राव. विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपको नहीं शायद पता होगा. 50 एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट. गाइस फाइंड इट आउट ऑन द गूगल एंड टेल मी द आंसर. आपको दल बदल वाला है क्या जी? आप एक बार पढ़ो उसके बारे में, देन दल बदल इज काइंड ऑफ. आगे बढ़ो. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है या 52nd अमेंडमेंट क्या है? दल बदल वाला ही है बट उसको एक प्रॉपर वे में आंसराइज किया है. एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ हाउस हु हैज बीन इलेक्टेड एज सच अदरवाइज देन एज अ कैंडिडेट. कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई इलेक्टेड मेंबर आता है और वो दूसरी मेंबर ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन, देन ही और शी शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस. ओके, 52nd अमेंडमेंट है ये, राइट? ऐसा नहीं कर सकता, पार्टी चेंज नहीं कर सकता. हु डिसाइड डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? दिस इज द क्वेश्चन इन अस, क्वेश्चन नंबर 17. हु डिसाइड्स डी रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एट द इलेक्शन? एग्जाम्पल बॉयकॉटिंग ऑफ द इलेक्शन. कौन देखता है इसको? कौन मना कर सकता है कि तुम पॉलिटिकल पार्टी, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो लियो लेकिन मैं आपको वो करता हूँ, रद्द करता हूँ. ये कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन. यस एग्जैक्टली. अब हमने पढ़ा था विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड अ रिविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड अ रिविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 42nd. 42nd को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू adjudicate disputes between center and states through. मतलब जब state और center के बीच में विवाद होता है कि पानी मैं नहीं दूंगा नदी का, या यहाँ मेरे को चाहिए, मुझे इतना सोर्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो जब वाद विवाद होता है state और center के बीच में, तो जो constitution of India supreme court को power देती है वो किस प्रकार देती है? तो original jurisdiction, आप इसको ज़्यादा डीप में मत जाओ, जस्ट याद रखो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. समटाइम गाइस किसी किसी का टंग काम ऐसा नहीं करता है, सो इट्स गोज फॉर एवरीवन. जुरिसडिक्शन कि कुछ वर्ड आप नहीं बोल पाओगे, राइट? तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. जुडिशरी आई कैन स्पीक वेरी वेल बट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, तो वहां पे टंग इज गॉट. तो क्वेश्चन नंबर 21 गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स? यूनियन एंड द स्टेट्स के बीच में कौन सा शेड्यूल है? हमने अभी पढ़ा था कि कौन सा शेड्यूल होता है, किसमें कौन सा शेड्यूल लगता है, राइट? तो आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा कि आपका कौन सा शेड्यूल होता है? सेवेंथ शेड्यूल होता है. सेवेंथ शेड्यूल गाइस, टेक इट डाउन. सेवेंथ शेड्यूल. टेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन. जो अभी 52nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा वो किस में लिखा गया है? टेंथ शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है? एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय हुम? लेजिस्लेटिव असेंबली. एमपी एंड राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली से, राइट? प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर लगा सकता है? आर्टिकल 352.
आर्टिकल 352 के अगेंस्ट में आप नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मीटिंग, नहीं दिस लेफ्ट ना 25th, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, इसका आंसर सब दे सकते हैं आई बिलीव। क्वेश्चन नंबर 25th का आंसर क्या होगा, टू रिस्पेक्ट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, सी आएगा राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट मीटिंग हेल्ड कब हुआ था सर, 9 दिसंबर 1947 को हुआ था, 47 को तो लग ही गया था, देखो 1946 से तो बना था ना, स्टार्ट हुआ था कमेटी, तो 1946। ओके नाउ विल गो फॉर 2-3 क्वेश्चंस मोर, देन विल हैव अ क्विक ब्रेक, देन विल लिटिल बिट लर्न अबाउट मैथ्स। ओके, इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये कहां से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन कहां से लिया गया है, समबडी इज सेइंग फ्रांस, समबडी इज सेइंग, आंसर क्या होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके गाइज, होमवर्क फॉर यू ऑल, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी सुनने में एक ही लगता है लेकिन इसके अलग अलग हिंदी में मीनिंग है, तो फाइंड इट आउट द मीनिंग आफ्टर द क्लास। ओके क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कौन सा नहीं है, देखो, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या इट इज अ स्टेट पॉलिसी, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन स्टेट का काम रहेगा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो ना हो, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मतलब जज के ऊपर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव का कोई असर ना हो, जज इंडिपेंडेंटली काम करे, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो आंसर गोज टू सी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। What was the basis of State Recognition Act 1956? Language. Language के आधार पर आपका State Reorganization Act 1957 बनाया गया था, language के आधार पर, right? And last of question of the day, which of the following is not a constitutional prerogative of the President of India? Guys, हमने कल English में meaning देखा था prerogative का, prerogative, what does that mean prerogative का, prerogative मतलब क्या था, synonym में हम questions कर रहे थे, prerogative आया था, prerogative means special right that has been given to someone, जो उसके पास special type का rights है उसे हम prerogative कहते हैं। तो president के पास कौन सा ऐसा constitutional prerogative नहीं है, summoning of the session of the Rajya Sabha, constitutional हक नहीं है कि राज्य सभा को बुलाए, understand? डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा कर सकता है, मनी बिल वापस बुला सकते हैं एंड ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकते हैं, ठीक है, कि फिर से लोकसभा राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ फिर से भेज दो, फिर से रिकंसिडर होगा, अंडरस्टैंड गाइस। एंड किस किसने टेस्ट लिया है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, इंग्लिश का टेस्ट इज लाइव, 25, 27, 29 विल बी योर सब्जेक्ट टेस्ट, फिर कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा। So guys, how many of you have taken the test series till now? बहुत लोगों ने test series लिया है, right? There will be full length test also. पहले आपका subject wise test होगा, combination test होगा,
टू सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट का, देन फुल लेंथ टेस्ट भी होगा एज पर न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस. सो गाइज हु हैवंट टेकन द टेस्ट गो एंड टेक द टेस्ट सीरीज. कहाँ पे मिलेगा टेस्ट सीरीज? टीडीसी क्लासेस के कोर्स पे आपको सीईटी टेस्ट सीरीज करके मिलेगा. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. ओके सो गाइज विल क्विकली हैव अ